दिल्ली के अंदर हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात का फक्र है कि दिल्ली के लोग कदम से कदम मिला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर फिर भी प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? अगर दिल्ली सरकार इतने सारे काम कर रही है, फिर भी प्रदूषण इस समय ठंड के मौसम में 300, 400 से ज्यादा क्यों बढ़ जा रहा है? यह हर दिल्ली वाले के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह प्रदूषण इतना बढ़ता कैसे है, कारण क्या है? भाई पहले डीजल के जेनसेट चलते थे, उनका धुआं बंद हो गया बिजली से, जो ग्रीन बेल्ट था वो बढ़ गया, वो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अब इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, तो पोल्यूशन कम ही कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम ये जो एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, इतना सघन कैंपेन तो कभी नहीं चलता है और ना आज भी नहीं चलता है एनसीआर के अंदर। फिर आखिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? पिछले साल इसी महीने में अक्टूबर 24 अक्टूबर से और 8 नवंबर के बीच में ये स्टडी की गई थी इसी बात को समझने के लिए कि आखिर दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस समय क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो समाधान की तरफ नहीं पहुंचेंगे। ये सीएससी की स्टडी हुई 28 अक्टूबर से लेकर के और 8 नवंबर के बीच में। ये सीएससी की स्टडी क्या कहती है? ये सीएससी की स्टडी ये कहती है कि ये दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उस प्रदूषण में 31% दिल्ली के लोकल जो सोर्स हैं उनका पोल्यूशन है। लोकल सोर्स क्या? व्हीकल पोल्यूशन का, जो गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं उनका पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है, डस्ट पोल्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन। ये स्टडी कहती है कि जो 31% जो ये पोल्यूशन है उसमें से 51% दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन, जो गाड़ियां चलती हैं, जो 31% का 15% है वो पोल्यूशन गाड़ियों से होता है। इसके बाद 13% डस्ट पोल्यूशन का है, उसके अलावा 12% वेस्ट बर्निंग का है। लेकिन ये 31% के अलावा जो पोल्यूशन है इसमें देखें तीन कालम है, 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, जो उनका व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन है। और पिछले साल जब वो 24 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में स्टडी कर रहे थे उस समय बायोमास बर्निंग 14.5% पराली का कंट्रीब्यूशन था, जब उस समय पिछले साल जब उन्होंने स्टडी किया था। तो यानी कि दिल्ली के अंदर जब पिछले साल स्टडी की गई 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, तो ये तीन कंपोनेंट सामने आए जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। अब जब सोर्स है कि 31% दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है, तो दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है कि दिल्ली के अंदर का जो 31% पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। दूसरा कंपोनेंट है 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसके पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए।